तो ये एसिड है पॉलीप्रोटिक है। तो इस केस में जो स्टेप वन का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो सबसे ज्यादा होता है, कि उसमें न्यूट्रल में से एच प्लस निकल रहा है, फिर उसके बाद एक नेगेटिव बन जाएगा, उसमें से एच प्लस निकलना हार्ड हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में टू नेगेटिव में से एच प्लस निकालना है, तो प्रोडक्ट और कम बनेगा। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन वैल्यू आएगी वो और कम आएगी। मींस दिस विल बी द आंसर।